नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज राजस्थान की इकलौती सीट, जी हाँ, श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट, जिस पर आज फैसला आना है, ये वही सीट है जिस पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा से रहा और माना जा रहा है कि जीत भी कांग्रेस पार्टी की ही होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा जो तगड़ी भिड़ंत है वो बीजेपी और कांग्रेस की देखी गई। आपको बता दें कि इस सीट पर खुद कांग्रेस पूरी की पूरी जो एक कह सकते हैं अपनी नज़र बनाए हुए है। जिस तरह से 5 जनवरी को वोटिंग हुई और वोटिंग से पहले भी देखा गया कि कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए पहुँचते हुए नजर आए, पहले सचिन पायलट और फिर गोविंद सिंह डोटासरा। जिस तरीके से सचिन पायलट पर लगातार अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल इसके पीछे की वजह यह भी है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने वाली है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सचिन पायलट पर अपना भरोसा जता सकती है। देखना काफी अहम रहेगा कि करणपुर विधानसभा सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो क्या इस जीत का सहरा सचिन पायलट के सर बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो श्री गंगानगर 2 बार जा चुके हैं बीते 1 महीने में। ऐसे में माना जा रहा है कि करणपुर सीट पर खुद सचिन पायलट ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई थी कि भले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ना हुई हो, लेकिन करणपुर सीट जो है वो कांग्रेस के हाथों से नहीं जानी चाहिए। इसीलिए जब सचिन पायलट करणपुर सीट के लिए चुनावी प्रचार के लिए गए थे तब भी उन्होंने जीत का दावा ही किया। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुने जरा। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा, तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। देखिए, ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं, और दो नहीं जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए। लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर कर सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल, इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को, वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का, क्या होगा, ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी। उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नज़रअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना, तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। लोकसभा चुनावों के समय
तो उन्होंने एक सभा में एक सवाल उठा था कि नशे का दौर बहुत ज्यादा चला, उसका क्या कारण रहा? देखिए, ये पंजाब में क्या होता है, केंद्र सरकार में क्या होता है, समाज में सारी जो बुराइयां उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में रूबी जी ने खुद कहा है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो हित में होगा उस काम को करेंगे। ये 5 तारीख को मतदान होगा और मेरा मन ये कहता है कि अब तक जितना बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला इस विधानसभा क्षेत्र से, उससे ज़्यादा वोट लेकर रूबी जी राम जीतेंगे। देखा अपनी और सुना भी। अब ऐसे में लगातार सवाल ये बनता है कि क्या करणपुर विधानसभा सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो इसके बाद क्या पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद देते हुए नजर आएंगे या फिर गोविंद सिंह डोटासरा को ही एक बार फिर से ये जिम्मेदारी पार्टी देती हुई नजर आ सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।